अरे हमारी हिस्ट्री है बहुत, हम कॉलेज में भी साथ में थे और हमने कोविड इंजेक्शन भी साथ में लगाया. फाइनली इनफ हमने हम वैक्सीन के लिए गया था और मैं देखता हूँ कि प्रीति बैठी हुई है. इट्स कोइंसिडेंस बट या. एंड व्हेन आई मैंने जब इनको देखा सेट पे तो मैं ऑटोमेटिकली मैंने बोला ओह वाओ दैट्स अमेजिंग कि मैं इनको जानता हूँ. तो ऑटोमेटिकली मतलब एक पुराना बॉन्ड है और एक्सपीरियंस भी है इनको, तो कोई टेंशन नहीं है. मतलब जितनी भी कास्ट है हमारी केमिस्ट्री अच्छी थी. मुकेश भी बहुत पुराना दोस्त है. साहिल आई मेट फॉर द फर्स्ट टाइम. साहिल से पहली बार उनके साथ पहली बार काम किया, तो इट वॉज फन. इट वॉज ग्रेट फन वर्किंग विथ हर. शी इज़ यू नो वो ऐसी एक्ट्रेस है जो आपके आप जो भी टोन पकड़ते हैं ना उससे बाउंस बैक कर लेती है, तो वो उससे उसके ऊपर प्ले करके वो करती है, तो इट्स गुड फन टू वर्क विद हर. डेफिनेटली कंफर्ट लेवल था विवाद के साथ, लेकिन जो रिलेशनशिप हमारी है शो में वो बहुत ही अनयूजुअल रिलेशनशिप है. और किसी भी हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप, हां आई थिंक दे आइडेंटिफाई विद इट. मतलब ये वो वाली वाइफ है ना जो मतलब हर शी इज हर नेम इज तानिया बट शी शुड बीन कॉल्ड ताना. बिकॉज हर चीज में ताना मारती. तो बट यू नो इट्स प्लेफुल. उनका हमारी जो केमिस्ट्री है ना वो प्लेफुल है. हम झगड़ा नहीं करते ज़्यादा. और हम लोग यू नो वो भी जानती हैं कि वो ये एक कितना बड़ा ये एक प्लान है जो वो ऑलरेडी बाय इन कर चुकी है. शी नोज वॉट शी इज इन फॉर. उन्होंने ऑलरेडी दिमाग में सेटल कर लिया कि ये मेरा पति है, ये ऐसी कर. बट ये पहली बार उनको पता लगता है कि ये ऐसी घिनौनी हरकतें भी करता है. तो इट्स ऑल्सो शॉक फॉर हर. बट हाउ शी अडेप्ट एंड हाउ शी सेटल्स विद दिस एंटायर थिंग कि वो कैसे अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करती है. उनका भी बेटा है तो उनका भी कॉम्प्लेक्स रोल था कि मैं वो भी जूझ रही हैं इस बात से कि हस्बैंड भी मतलब ये कर रहा है. और यू नो शी इज वरीड अबाउट हर रेपुटेशन. देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स एट स्टेक. मुझे पड़ी नहीं है. मैं बेशर्म की तरह मुझे पता है कि कुछ नहीं होने वाला. मैं वैसा आदमी हो गया हूँ कि मुझे पता है कि मेरी पुरानी हरकत है, ये पहले भी कर चुका है और इसके बाद इतने पैसे हैं, इतनी पावर है कि उसको पता है कि कुछ नहीं होगा. तो उसका ये एटीट्यूड रहता है. तो ये हमेशा उसके साथ यू नो एक ये रहता है, टॉर्चर रहता है इसके लिए, मेंटल टॉर्चर कि ये सीरियस क्यों नहीं कर रहा है, ये सीरियसली क्यों नहीं ले रहा है ये बात को. सो दैट आई थिंक इज वन थिंग फॉर हर. मेरा कैरेक्टर जो है बहुत कुछ बोल सकता है लेकिन वो चूज करती है कि वो ना बोले, क्योंकि वो भी एक किसी तरह पे जैसे कि हर इंसान होता है सेल्फिश भी है और एक सर्टेन स्टैंडर्ड जो उसकी लाइफ का है वो मेंटेन भी करना चाहती है. और वो जिस तरह से दुनिया की आंखों में दिखी है इतने साल, वो नहीं चाहती कि किसी भी चीज़ कोई भी चीज़ उस चीज़ को डैमेज करे. सो और हालांकि वो जानती है कि जो हो रहा है उसके अराउंड वो कहीं कहीं सही नहीं है और उसे हर्ट भी कर रहा है काफ़ी. और जो उसका रिलेशनशिप है वो उसे पता है परफेक्ट नहीं है, लेकिन वो फिर भी चुप रहती है और एडजस्ट करती है, अडेप्ट करती है उसी तरीके से जैसे उसे द वे शी नोज बेस्ट. सो बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है और मेरे लिए एक काइंड ऑफ रिस्की कैरेक्टर भी था, क्योंकि एज सच ऑडियंसेस ने हमेशा मुझे एक सॉफ्ट और स्वीट रोल में देखा है. और इसमें जो आई वुड से कैरेक्टर थोड़ा ग्रे भी है. मैं तो पूरा ही ग्रे, मतलब ग्रे ब्लैक पर्पल शेड, मतलब जितने भी डार्क कलर्स है सब इसमें कर चुका हूँ. मेरे लिए बहुत जब मुझे ऑफर किया गया तो मैं थोड़ा सा सोच में पड़ गया कि मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि मैं खुद एक बाप हूँ, मेरा एक बच्चा है. तो मैं खुद सोच में पड़ गया कि ये कैसे मैं कर लूँगा, कैसे मैं कन्विंसिंग रहूँगा, कैसे प्रेजेंट करेंगे. मुझे बहुत सारे ख्याल आ गए. बट मैं जानता था कि मुकेश मुझे ऐसे किसी जगह पर नहीं भेजेगा जहाँ पर मैं गलत कर सकूँ. बट तो और जब मैं साहिल को मिला और मैं समझ गया कि प्रेजेंटेशन कैसे होने वाली, बिकॉज बहुत सारे लोग बातें करते हैं लेकिन जब प्रेजेंट करने जाते हैं तो कुछ अलग ही निकलता है. तो जब मैं समझ गया कि ये लोग कैसा चाहते हैं, कैसा प्रेजेंट करना चाहते हैं, तब मैं फुली कन्विंस हो गया ये करने के लिए. और जहाँ तक आपने कहा कि तो मैंने पैसे दिए हैं सब कुछ चुप कराने के लिए, यहाँ जहाँ तक जैसे विवाद ने काफी मेरे कैरेक्टर के बारे में मैंने चेक साइन किया, इन्होंने पैसे दिए हैं. मैं भी आपको इनके कैरेक्टर के बारे में, मुझे लगता है कि
इस रोल को एक्सेप्ट करने में विवान ने एक बहुत बहुत ही करेजियस डिसीजन, लेकिन बहुत ही इंटेलिजेंट डिसीजन लिया, क्योंकि एक ऐसा रोल बहुत ही कम आता है जिसमें आप ऐसा परफॉर्मेंस कर सकें जो लोगों को हिला दे, जो 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 एक इंसान को शेक करके रख दे कि ये भी हो सकता है. और so I think it was a very brave move on Vivan's part, and I think जिस तरह से उन्होंने प्ले किया है, बहुत ही बहुत कम एक्टर्स इसे इस तरह से प्ले कर सकते थे इतनी कन्विंसिंगली और इतने जिस तरह से उन्होंने प्ले किया. सो आई वुड लाइक टू यू नो आई थिंक इट्स ग्रेट दैट यू एक्सेप्टेड द रोल. एंड बस आई फील मैं चाहता था कि वो लोग ना जब वो इस आदमी को देखें तो वो इस बात को समझ जाए कि वो बच्चा किस चीज से गुजर रहा है. वो ज्यादा इम्पोर्टेंट था मेरे लिए कि इसकी पावर, इसकी पर्सनालिटी, इसका डायनामिक, इसका जो चाल चलन है वो कैसे पब्लिक में बदल जाता है, कैसे वो यू नो कलर बदल देता है फट से और कैसे चेंज. और ही इज वेरी शार्प, बहुत शार्प है. वो दो दो मिनट में अपने आप को बदल देता है. वो एक्टर ही है तो वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए बदल देता है. आप देखेंगे, जब आप शो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा. और मैं चाहता था कि लोग जैसे ही वो स्क्रीन पे आए ना और जैसे वो करें तो लोग अनकंफर्टेबल हो जाए, क्योंकि यही एक यू नो आपको दिखाता है कि ये कैरेक्टर सक्सेसफुल है, कि ये लोग अनकंफर्टेबल हो गए हैं इसको देख के. और इसकी ये मतलब जिस तरह से वो पेश आ रहा है तो आई हैड टू स्विच माई सेल्फ ऑफ, मतलब मुझे अपना दिमाग बंद करना पड़ा और रोल में पूरी तरह घुसना पड़ा. बिकॉज मैं अगर मैं दिमाग चालू रखता तो मैं चार बार अपने आप को सोचता, चार बार यू नो अपने आप को डाउट करता कि ये मैं ज़्यादा तो नहीं कर रहा हूँ, ये ज़्यादा हो गया, ये कम हो गया, ये हो गया, ऐसा हो गया. तो आई जस्ट स्विच्ड ऑफ एंड आई जस्ट वेंट विद अ नेचुरल इंस्टिंक्ट एंड आई डिसाइडेड टू डू व्हाट आई थॉट वुड बी लाइक अ ओल्ड स्कूल विलन, यू नो लाइक समबडी हु इज जस्ट दिस पर्सन. वो ये वही इंसान है, मतलब ये ही कोई एक्सक्यूज नहीं बनाता इसके लिए, कोई अपॉलॉजी नहीं करता इसको भी. जब ये इनको पता लगता है इसके बारे में तो ये मेरे से पूछती हैं तो ये बेशर्मी से जवाब देता है. इसको सिर्फ इसकी अगर विक्रम बजाज की एक वीकनेस है तो वो उसका बेटा है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके बेटे के सामने ये सब बातें बाहर आए. कि यू नो एक इमेज उन्होंने अपने बेटे के लिए भी बना के रखी, हर पेरेंट चाहता है कि वो अपने बच्चे का हीरो बने. तो ही इज ऑल्सो एंड पब्लिक मेन थिंग ऑब्वियसली बिकॉज ही इज अ पब्लिक यू नो ही इज अ पब्लिक पर्सन तो वो चाहता है कि पब्लिक में ये बात ना निकले क्योंकि उसकी पिक्चर को इफेक्ट होगा. तो बिसाइड्स दिस ही डजंट केयर, जस्ट डजंट केयर. ही जस्ट सेज दैट मेरी इमेज नहीं खराब होनी चाहिए, बेटे को नहीं पता चलना चाहिए यार ये सब अनकंफर्टेबल हो जाएगा घर पे. वो आई डोंट वॉन्ट हिम टू लुक एट मी डिफरेंटली बिकॉज ये सब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो मेरी हैं वो मेरी रहनी चाहिए. तो ये जब बातें सब बाहर निकलती हैं तो उसकी लाइफ में कैसे तनाव आ जाता है. तो ये आई थिंक ये मेन कहानी ऑल्सो एक एस्पेक्ट है और मेरे कैरेक्टर का. देखिए मैंने एक वर्कशॉप तो नहीं करना पड़ा, लेकिन मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग रहा क्योंकि एक फिल्मी दुनिया से बाहर निकलकर एक रियल जैसा एक कैरेक्टर, जो एक लेडी अगर इस सिचुएशन में अपने आप को पाए तो वो सच में कैसे रिएक्ट करेगी, क्या वो चिल्लाएगी और यू नो सब कुछ जो है जो वो जानती है क्या वो छोड़ देगी, और क्या वो अपने बेटे को सब कुछ बता देगी. क्योंकि तानिया एक ऐसे सिचुएशन में वो, और वो चाहती है जब उसके बेटे को भी पता चले तो वो चाहती है कि वो बोलती है उसे कि आप उसे ऐसा लगता है कि उसे भी उसकी तरह ही एडजस्ट करना चाहिए, उसकी तरह ही रिएक्ट करना चाहिए, उसकी तरह ही सिचुएशन को एडजस्ट कर लेना चाहिए और संभाल लेना चाहिए सिचुएशन को. लेकिन एक जो उसका बेटा है वो ऐसे नहीं सोच सकता या ऐसे नहीं सोचता. सो काफ़ी दुविधाएं हैं, काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं कैरेक्टर में. और काफ़ी टाइम मेरे डायरेक्टर साहिल सांगा को मुझे रेन इन भी करना पड़ा, थोड़ा बोलना भी पड़ा कि अगर आप रियली इस सिचुएशन में होते तो आप ऐसे रिएक्ट नहीं करते. तो ये एक और जैसे कि मैंने कहा मेरे बिलीव्स के, मेरे प्रिंसिपल्स के बिल्कुल एक खिलाफ सिचुएशन है. तो वो भी आई हैड टू बी अगेंस्ट माय नेचर क्वाइट अ लॉट. जो मेरा नेचुरल, जो मेरा नेचर है उसके काफ़ी अगेंस्ट भी मुझे जाना पड़ा. सो जब भी टेंशन आती है तो हाँ
दारू पी के, और क्योंकि दैट्स द वो पीकर ही अपने आप को थोड़ा बहुत एक्सप्रेस कर सकती है अपने हस्बैंड के सामने, थोड़ा बहुत उनको जो बोल सकती है वो अपने हस्बैंड को प्राइवेट में बोल देती है, क्योंकि पब्लिक में तो उसे एक इमेज मेंटेन करके रखना है वो। बिकॉज जब भी ये लड़ती है तो मेरा एक ही सवाल होता है, तो क्या कर लेगी, छोड़ेगी मुझे, क्या कर लेगी, जाओ। तो वो एटीट्यूड मेरा है, तो इसको वो क्या करती है, वो अपने उसकी जितनी ताकत है उसके अंदर वो खिलवाड़ करती है, मतलब वो क्या कर सकती है, ताने मार सकती है, और वो इसका तो वो करती है, और वो अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है ये दुनिया से, लेकिन इवेंचुअली मतलब सब कुछ खुलासा ही हो ही जाता है। प्लीज कफस देखिए, ये एक अलग शो है, बिल्कुल अलग, सबसे एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज है इसका, और हम चाहते हैं कि आप ये शो देखें, इसे एंजॉय कीजिए, और हमें मतलब आप टैग कीजिए, पोस्ट कीजिए प्लीज़, हाँ, और हमें बताइए, और हमें DM भी कीजिए कि आपको क्या अच्छा लगा क्या नहीं अच्छा लगा, वी विल बी हैप्पी टू रिप्लाई। बहुत फास्ट मूविंग शो है, जिसने भी देखा बोला है कि एक सिटिंग में देख लिया शो, एंड एक शो है, एक टॉपिक है जिसके बारे में हम सबको बात करना, एज अ सोसाइटी बात करना जरूरी है, सो डेफिनेटली देखिए, एंड लाइक विवाद सेड, डू लेट अस नो व्हाट यू लाइक। थैंक यू, थैंक यू, हो जाएगा, चलिए आइए। हाँ जी, नहीं बोल पाएंगे पैसे लिए, थोड़ा सा आप लोग बताइए कि किस बात के पैसे लिए हैं जो आप लोग बोलना नहीं चाहते। जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, जिन लोगों ने ऑलरेडी ये शो देखा है उनसे हमें बहुत सारा प्यार मिल रहा है, उसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन लोगों ने नहीं देखा है प्लीज़ देखिएगा। अब तो मतलब जो सवाल, जो टीज़र हमारा पूरा कैंपेन जिस पे पूरा बेस था कि चुप रहने के पैसे लिए, वो पैसे लिए कि अपना बच्चे को हमारे बच्चे को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया जाता है, और वो एक सुपरस्टार के ज़रिए, और एक सुपरस्टार करता है, और फिर सुपरस्टार को उसकी टीम ने हमें एक रकम ऑफर की है 10 करोड़ की, अपना मुंह बंद रखने के लिए, जो हम एक्सेप्ट करते हैं, और वो एक्सेप्ट करने के बाद उसके जो रेपरकशंस होते हैं विद इन द फैमिली, हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप कैसी बदलती है, बच्चों के साथ कैसे बदलती है, नानी माँ एवरीवन, हाउ द फैमिली साथ स्क्रम्बलिंग डाउन, इज़ व्हाट कफस इज ऑल अबाउट। मुझे मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी लगी, काफ़ी लोगों ने सवाल उठाए कि ये क्या है, ये क्या होल्डिंग है, ये कोई ऐड है या पब्लिसिटी स्टंट है, क्या चल रहा है, सो दैट इज़ समथिंग आई रियली लाइक। बहुत सारे लोगों ने फ़ोन करके पूछा व्हाट इज़ कफस, व्हाट इज़ गोइंग ऑन। एक तो नाम भी बहुत इंटरेस्टिंग है, कफस का मतलब होता है केज, तो फैमिली ने पैसे लिए, उनका मुँह बंद हो गया और केज में फंस गए, यू नो इस केज से कैसे बाहर निकलेगी फैमिली अब। सो बहुत ही अच्छे रिव्यूज़ मिले हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस आया है, और खुशी इस बात की भी है कि अब शो रिलीज़ हो गया और अब हम यू नो वी आर टॉकिंग अबाउट इट। तो आई जस्ट होप ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, बिकॉज ऐसे शो ज़्यादा बनते नहीं हैं, इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक जिसको टच किया गया है, सो आई लाइक द फैक्ट दैट पीपल आर लाइकिंग द शो। देखिए यार, अभी 4.5 स्टार हाईएस्ट मिला है, लेकिन पब्लिक का रिस्पांस 5.1 वाला है, बस इतना ही बोलना चाहूँगा। यार दोस्तों ने इतने प्यार भरे मैसेजेस भेजे हैं, इतना सारा प्यार शो को दिया है, हम सबके काम को दिया है, मेरे काम को दिया है, तो उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ मैं भगवान का, ग्रेटफुल टू गॉड and grateful to all of you all for sharing so much love to this well deserving show, of course, and full kudos to applause Sony Live, the partner and the creators of the show, headed of course by Sahil Sangha and Karan Sharma, the writer of the show. To ji yahi bahut bahut behtareen responses mile aur bahut acha lag raha hai. Aapke to baat kare chahe
इंडस्ट्री की बात करें, सारे जगह आपके फैंस हैं, हमेशा आपको फॉलो करते रहते हैं और हमेशा कमेंट में आप पढ़ते हैं, हमेशा पूछते रहते हैं कि आपका जो शो जो लोग पसंद करते थे कि उसको आप वापस ही करते हैं। या कुछ आज हम लोग मिले तो कुछ बताना चाहेंगे आपकी गूगल पे? देखिए, ऐसा है कि मुझे एक बात की अश्योरिटी, यू नो, हमेशा वो जो इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन होता है ना, वो आपको आजकल सोशल मीडिया से मिल जाता है। इतने सारे फैंस आर रीचिंग आउट और सबने एक बात बोली है कि एवरी एक्टर हैज़ परफॉर्म्ड वेल। नहीं तो क्या होता है ना, अपने में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सिर्फ एक एक्टर उभर के आया एक शो में, यहाँ पर वो केस ही नहीं है। इट्स द एंटायर फैमिली, द एंटायर कास्ट, द राइटिंग। और मुझे बहुत खुशी होती है कि जब लोग हम सबको टैग कर रहे हैं कि व्हाट अ परफॉर्मेंस, व्हाट अ परफॉर्मेंस, तो बहुत खुशी मिलती है। आई थिंक ये एक ऐसा दौर है जहाँ पे यू नो पब्लिक के पास ना टाइम है नहीं, और जो टाइम निकालते हैं ना उसमें उनको कुछ अच्छा देखना है, तो ये शो वो कर रहा है उनके लिए। दे आर बिंज वॉचिंग इट एंड दे आर फिनिशिंग इट ऑफ एंड देन दे आर कॉलिंग आस, मैसेजिंग आस। तो मुझे बहुत खुशी है दैट आई एम अ पार्ट ऑफ दिस शो, तो अच्छा लगता है यार। शर्मा जी, अगर आपको बहुत सारे पैसे दिए जाए तो इस मुद्दे को लेकर, इस टॉपिक को लेकर आप चुप रहेंगे? किस टॉपिक को लेकर हम चुप रहेंगे? पॉलिटिक्स। हाँ, पॉलिटिक्स शायद, बिकॉज वो मेरा, मैं कंट्रीब्यूट नहीं कर पाऊँगा। मुझे अपने लेवल पे जो भी थोड़ा बहुत सोशली कर पाऊँगा, कर रहा हूँ और करना चाहूँगा और भी ज़्यादा, लेकिन बाकी वो मेरी फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज नहीं है। तो हाँ, शायद वही पॉलिटिक्स। हाँ, पॉलिटिक्स। नहीं, हम यू नो हमेशा जब भी शर्मन कोई शो करते हैं या मूवी करते हैं, एक इनका यू नो कॉमेडी वाली टाइमिंग ज़बरदस्त है, बट इस शो में जब आप शर्मन को देखते हैं ना, मतलब देर इज़ जस्ट सो ब्यूटिफुल। मुझे लास्ट एपिसोड शर्मन, यू नो, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जैसे द वे ही रिएक्ट्स एज अ ब्यूटिफुल बोल्ड फियर, यू नो, फियर्स फादर, मुझे वो सब दिखा शर्मन में, यू नो, आई एब्सोल्युटली लव इट। एक साथ काम करने में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, इतने सालों का एक्सपीरियंस है इनका भी, मेरा भी, सो इट वॉज जस्ट ब्यूटिफुल टू वर्क टुगेदर विद अ वेरी टैलेंटेड कास्ट एंड डायरेक्टर। आई वुड लाइक टू रिटर्न द कॉम्प्लीमेंट। मोना तो सभी लोग बहुत प्यार करते हैं उनके काम से, काम को अलग अलग किरदार निभाया उन्होंने सालों से। 3 Idiots में हमने थोड़ा वक्त बिताया था, also as actors and apart from that, तो उसके बाद हमें इसमें काम करने का मौका मिला। जब मोना जितनी बेहतरीन कलाकार आपके साथ हो तो आपका काम और भी अच्छा होता है। ऑन योर ऑफ डेज यू कैन ऑलवेज रिलाय ऑन योर को एक्टर के शी विल बी ऑन मार्क एंड फाइनली यू विल फाइंड योर प्लेस ऑल्सो। लॉट ऑफ लव फॉर ईच अदर, आई थिंक फॉर आर वर्क, म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर दैट, and I think somewhere similar personalities. We are kind of, she is also fairly reserved, and so am I. But ये chemistry जो आप बोल रहे हो लोग appreciate कर रहे हैं, वो effortless हुई है। मैंने पहले जो factors बताए शायद उस वजह से effortless दिख रही है, तो वो बहुत ही अच्छा रहता है जब इतने complex और heavy duty scenes होते हैं और आपका co-actor इतना अच्छा हो आपके साथ, तो the journey थोड़ी आसान हो जाती है। Thank you. Feeling, you know, जैसे first day थी वैसे ही है, क्योंकि the sincerity and the commitment level और वो जितना शुरू में था उतना अभी तक maintain रहा है luckily, you know, तो उतनी ही सिंसेरिटी से थ्रू आउट द जर्नी काम किया है, तो बहुत अच्छा लगा। इट्स अ गुड फीलिंग टू हैव। देन फर्स्ट डे भी मैं से कुछ बहुत हैप्पी या बहुत एक्साइटेड या बहुत सैड नहीं थी, आई वॉज प्रिटी न्यूट्रल बिकॉज आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड कि ये जर्नी कहाँ लेके जाती है। तो आई एम एक्चुअली ऑन द सेम पेज एज माई फर्स्ट डे, कि मैं अभी भी ऐसा नहीं है कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत दुखी हूँ। आई एम न्यूट्रल, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि आगे कैसा जर्नी है मेरी लाइफ की,
क्योंकि ये जर्नी बहुत खूबसूरत रही है. सो दिस हैज बीन अ ब्यूटीफुल जर्नी. सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट. वेल आई डोंट नो, साई को क्योंकि यू नो ऑल माय फ्रेंड्स दे आर प्रीटी मच ऑलरेडी दे हैव लेफ्ट. सिद्धार्थ बोर्ड के और योगेंद्र और मिताली नाग. सो किशोरी मैम कंटिन्यू कर रही हैं, तो किशोरी मैम को मैं मिस करूंगी. मेरी प्रोडक्शन टीम के जो फ्रेंड्स हैं उनको मिस करूंगी, सैंडी सर, रिची सर, पंकज सर, सिद्धार्थ सर. बट या बाकी प्रीटी मच ऑल माय फ्रेंड्स आर आउट ओनली, तो आई एम जॉइनिंग देम. नहीं, मेरी कुछ छूट नहीं हुई है अभी तक उनके साथ, ऐसा यू नो देर इज नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. मैं मिली नहीं हूँ उनसे, बट मेरी भाविका से डेफिनेटली बात हुई है. मैंने यू नो उनके लिए वेलकम पोस्ट डाला था, तो भाविका हैड रिस्पॉन्डेड एंड उन्होंने नए प्रोमो के बारे में बात करी एंड आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हर एंड आई टोल्ड हर इट्स रियली नाइस. सो शी इज लाइक सो शी इज एक्साइटेड. आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर एंड फॉर एवरीबडी एल्स. तो आई होप यू नो आप मतलब आई वॉन्ट कि सब लोग जितना प्यार हमें दिया है उतना ही प्यार उनको भी दें और उतना ही पेशेंस उनके साथ रखें जितना हमारे साथ रखा है थ्रू आउट द जर्नी. बहुत सारा प्यार दिया है यार. यू नो बहुत ब्लेस्ड फीलिंग है वो टू बी टू हैव हर एसोसिएशन विद द शो और शो के थ्रू उनको जान पाना, उनसे रूबरू हो पाना, उनको हमारे नाम पता होना, हमारा काम पता होना, उस पर उनके यू नो वो अपने थॉट्स अपने जो भी यू नो उस पर वो हमें गाइड भी करती हैं पर्सनली एंड यू नो वो इतना प्यार दिखाती हैं, प्यार देती हैं. तो आई हैव बीन वेरी लकी, द शो हैज़ बीन वेरी लकी एंड पर्सनली आई फील आई हैव बीन वेरी लकी कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली उनसे मिलने की, उनसे गाइडेंस लेने की, उनका प्यार उनके दिल में जगह पाने की. तो वेरी वेरी हैप्पी एंड आई होप कि यू नो आगे जो अभी नया प्रोमो आया है, जो नई जनरेशन आ रही है और रेखा मैम ने उतने ही प्यार से उनको भी यू नो इंट्रोड्यूस किया है. आई विश देम ऑल द लक. या बहुत सारे डीएम्स आ रहे हैं, यू नो बहुत सारे मेल्स आ रहे हैं, देर आर सो मैनी मैसेजेस, देर सो मैनी या बहुत स्टोरीज शेयर कर रहे हैं, रील वीडियोज एंड या काफ़ी यू नो लाइक आई हैव ऑलवेज फेल्ट दैट गुम है किसी के प्यार में इज एन इमोशन फॉर द फैंस. सो व्हेन एनीबडी कोई भी बहुत जज्बाती होता है किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर, तो उनका गुस्सा हो, फिर उनका प्यार हो, फिर उनका कुछ भी हो, यू शुड बी एक्सेप्टिंग टू इट विद ओपन आर्म्स क्योंकि वो इमोशनल है. तो आई अंडरस्टैंड कि वो किस उससे गुजर रहे हैं एंड आई फील वेरी वेरी बैड फॉर इट, बट दैट इज़ हाउ इट इज. यू नो पूरी जर्नी बहुत मेमोरेबल है क्योंकि यू नो दिस जर्नी हैज़ बीन अ कॉन्स्टेंट रोलर कोस्टर. इस जर्नी में बहुत सारे अच्छे मोमेंट्स भी हैं, बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं. बहुत सारे अच्छे मोमेंट्स हैं हमारा लॉन्च से लेकर व्हेन एवरीबडी वाज टुगेदर इन द पार्टी, देयर बीन सो मैनी फन मोमेंट्स. यू नो मेरा हमारा पुराना सेट था उस पर एक झूला गार्डन, चौहान निवास के गार्डन में एक झूला था, तो वहाँ बैठकर हम लोग गप्पे मारते थे, शाम इन्जॉय करते थे. देन लीप हुआ, बच्चों ने ज्वाइन इन किया एंड यू नो अरु के साथ इतना प्यारा बॉन्ड है. बहुत सारे फन मोमेंट्स सिद्धार्थ के साथ या विक्रम के साथ एंड मिताली मैम के साथ, किशोरी मैम के साथ, सबके साथ, भारती मैम, शैलेश सर, एवरीबडी, बहुत सारे फन मोमेंट्स हैं, बहुत सारी चैलेंजेस. यू नो वी स्टूड बाय ईच अदर थ्रू, जब हमारा सेट बर्न डाउन हो गया तो वो बहुत डिफिकल्ट मेमोरी था, बहुत डिफिकल्ट टाइम था. उसके बाद सब बंजारों की तरह परफॉर्म कर रहे थे अपना कैरवान लेके, तो वो भी डिफिकल्ट था, लेकिन क्योंकि सब साथ में थे तो वो भी यू नो
हंसते हंसते टाइम निकल गया. तो इट्स बीन अ ग्रेट जर्नी. इट्स बीन अ रोलर कोस्टर राइड ऑनेस्टली. इट्स बीन अ वेरी वेरी एंड पर्सनली मुझे लगता है एज एन आर्टिस्ट ये मेरे लिए बहुत ही लर्निंग एक्सपीरियंस था फ्रॉम ज्वाइनिंग एन एक्सपीरियंस्ड कास्ट ऑफ सच ब्रिलियंट एक्टर्स फ्रॉम बीइंग दैट किड इन अ टॉय स्टोर कि मैं पहली बार आई थी एंड आई वॉज लाइक दिस किड इन अ टॉय स्टोर एंड देन टू लर्निंग फ्रॉम देम एंड ऑडियंस का इतना प्यार मिलना ऑडियंस का इतना एसोसिएट होना फैंस का इतना प्यार मिलना यू नो हर चीज़ उस चीज़ को हैंडल करना कि कोई अगर हर्ट है तो उस चीज़ को कैसे टैकल करना है आप नहीं जानते उन्हें आप मिले नहीं हो उनसे लेकिन दे हैव सर्टेन आइदर एक्सपेक्टेशन और एनीथिंग तो वो चीज़ यू नो बहुत बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है और बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस रहा है. तो कुछ एक पर्टिकुलर मेमोरी बोलना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. अभी तो ऐसा कुछ भी मैंने डिसाइड नहीं किया है कुछ ऐसा नहीं है. अभी तो मेरा सबसे पहला कल का जो मैंने लाइनअप किया है वो है बहुत सारी नींद या बिना अलार्म के उठना तो वो मेरा फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन है बहुत दिनों के बाद. और जब से ये जो पोर्शन हम पूरा चंक शूट कर रहे थे हमारी नाइट शिफ्ट थी तो वी वर शूटिंग थ्रू आउट द नाइट टिल मॉर्निंग एंड फिर उसमें फिर शाम को आ जाते. नाइट शिफ्ट का मतलब होता है शाम को शुरू हो जाते हो काम पे. तो इट इज़ लाइक हैविंग दिस मच टाइम इन योर हैंड द डे विच गोज इन टू स्लीपिंग ओनली. तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक था. बारिश इंजॉय करने को मिलेगी. मेरा कल का दूसरा लाइनअप है बारिश इंजॉय करना क्योंकि अब मैं बेखौफ होके भीग सकती हूँ. बीमार पड़ूँ तो चलेगा मेरा काम नहीं रुकेगा किसी का काम नहीं रुकेगा छूट नहीं रुकेगी. वरना पिछले दो मानसून मैं भीगी नहीं हूँ इस डर से कि यू नो बीमार पड़ जाएंगे. वैसे ही हेक्टिक शेड्यूल रहता है बट अब भीगने का मौका मिलेगा एंड बस छत पे जाना है और आसमान को ऐसे बस वेरी एक्साइटेड फॉर दैट. लास्ट डे तो अभी है शूट का तो लेट्स सी. आई एम श्योर यू नो जैसे जैसे आप आ रहे हैं तो एवरीबडी इज़ वेरी इमोशनल एंड एवरीबडी इज लुकिंग एट ईच अदर विद गूगली आईज एकदम. तो यू नो काफ़ी इमोशनल है सब बट आई एम वेरी हैप्पी कि जो तो कल जो हमने चंक शूट किया था वो काफ़ी इमोशनल था मेरा और नील सर का एंड जो हमारा आखिरी बार कमिंग टुगेदर है वो काफ़ी इमोशनल चंक था कल. तो आई एम वेरी हैप्पी कि वो लास्ट डे ऑफ शूट नहीं था एंड लास्ट डे ऑफ शूट इज़ अ हैप्पी मेमोरी. आई एम वेरी सॉरी कि ऑडियंस को नहीं मिली कोई यू नो द हैप्पी एंडिंग इज़ नॉट सेराटी ऐसा बट फॉर अस एक्टर्स हम जो चंक शूट करने चाह रहे हैं वो बहुत लाइट हार्टेड है हैप्पी है इट्स नाइस. सो वी विल यू नो विल डू दैट हैप्पीली एंड देन ऑब्वियसली आई थिंक एवरीबडी विल गेट इमोशनल. सो लेट्स सी हाउ द डे एंड्स बट आई एम वेरी हैप्पी दैट इट्स नॉट अ सैड चंक दैट वी आर शूटिंग इट्स अ हैप्पी चंक दैट वी आर शूटिंग एंड आई रिमेंबर माई फर्स्ट शॉट वॉज अ हैप्पी सीन विथ माई फादर संजय सर के साथ था. तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बहुत ही इमोशनल और बहुत ही हैप्पी जोन का वो सीन था एंड पॉजिटिव सीन था. एंड ये जो हम सीक्वेंस शूट करेंगे ये भी पॉजिटिव सीक्वेंस है. तो आई एम वेरी हैप्पी दैट यू नो इट्स कमिंग टू अ सर्कल.